अपडेट की शुरुआत जीके के हसमुख की मेडिकल रिपोर्ट को छिपाने के प्रयासों से होती है। मालिका देविका से कहती है कि वह शाह के लिए गिफ्ट लाई है। मालविका गिफ्ट लेती है और हसमुख की रिपोर्ट भी एक गिफ्ट पैक में होती है। अनुपमा की मेहंदी और संगीत के लिए पर्पल कलर के थीम के अनुसार सजावट की गई है। काव्या कहती है कि वह मेहंदी भी लगाएगी। पाखी ने कांता की तारीफ की। जीके ने हसमुख से कहा कि उसने दवाई ली कि नहीं। हसमुख बताता है कि वो प्रिस्क्रिप्शन को निग्लेक्ट नहीं कर सकता। वनराज अनुज को खोजता है। अनुज और अनुपमा एक दूसरे को देखकर परेशान हो जाते हैं। वनराज अनुज के साथ चैट करने जा रहा है। अनुज मौके से चला जाता है। अनुपमा किंजल को खोजती है। परितोष का कहना है कि किंजल की तबीयत ठीक नहीं है और बाद में उनके साथ चली जाएगी। अनुज वनराज को उसकी ओर देखते हुए देखता है। लीला हसमुख की रिपोर्ट देखने जा रही है लेकिन राखी दखल देती है। अनुपमा काव्या के पास जाती है और अपनी क्षमता में खुश रहने के लिए उसे धन्यवाद कहती है। अनुपमा और काव्या की रिश्तेदारी को देखकर लीला खुशी से ताली बजाती है। जीके ने अनुपमा को अनुज की माँ की चूड़ियाँ गिफ्ट की। अनुपमा भावुक हो जाती है। बाद में बॉलीवुड कलाकार मीका शाह के घर पर एक सेक्शन बनाते हैं। मीका और अनुज साथी हैं। यह जानकर शाह परिवार हैरान हो जाता है।